तो भाई आज बनाना है वेज कोफ्ता, उसके लिए मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। देखते हैं क्या लेना है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई। एक ये दो, और क्या चाहिए, एक ये भी दो, ये मिंट लीव नहीं है क्या, एक ये भी दो जी। वेलकम टू मालदीव लाइफ बाय जाकिर खान। आज शिवानी ऑफिस में है और मेरा हाफ डे था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ वेज कोफ्ता, और शिवानी को ये सरप्राइज देना है। वो ऑफिस आएगी अराउंड 5:30 तक, तो उससे पहले मुझे ये वेज कोफ्ता बना के रेडी रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इधर सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर ये गाजर, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, और ये यहाँ पर बंद गोभी जिसको हम बोलते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। यहाँ पर है ये कस्तूरी मेथी, हरा धनिया ये बारीक बारीक चॉप की हुई, शिमला मिर्च, यहाँ पर ये गार्लिक अपना लहसुन बारीक कटा हुआ, और ये यहाँ पर छोटी कटी हुई हरी मिर्ची, और उसी के साथ है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, और यहाँ पर है ये काली मिर्च ब्लैक पेपर, ये उसका पाउडर है। सॉल्ट चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पर सोया सॉस और वाइट वेनेगर, और ये जो आइटम है ये अपने ग्रेवी के लिए है, वो बाद में देखेंगे। उसके लिए हमने लिया है छोटा चॉप किया हुआ अदरक, यहाँ पर है ये, इसको यार मुझे नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, शायद हमारे यहाँ पे इसको आल की प्याज वगैरह बोलते हैं, और यहाँ पर है ये अपनी बारीक कटी हुई प्याज, और ये टमाटो पेस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सब चीज़ों को इस बॉल के अंदर डाल देना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है हमें। देखते हैं कैसे बनता है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भाई, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। हम बनाएंगे तो अच्छे ही बनेगा। बस शिवानी के आने से पहले पहले मुझे ये सब रेडी करना है A to Z, और मैं जब भी खाना बनाता हूँ ना और ऐसा उसको सरप्राइज देता हूँ तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी हमें डालेंगे यहाँ पर ये सॉल्ट, सॉल्ट लेना है हमें सिर्फ 1 चम्मच। बाद में आप टेस्ट कर लेना जब इसके बॉल बनाओगे। और अब डालेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, ये आप अपने हिसाब से डालना यार, जितने आपको अगर चाहिए। अभी हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस, और सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा ही डालना है, वरना क्या है वो सब काला काला हो जाएगा। और अभी हम डालेंगे जी वाइट वेनेगर, जिसको बोलते हैं सिरका, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अपना कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर जो है वो ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिलाओगे तो ये जो सब्जी है ये सब अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आप सिर्फ इतना मिलाओ कि जो बॉल है इसके बॉल छोटे छोटे बॉल बन जाए, और जो कोफ्ता है वो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएगा। मैं इसके अंदर मैदा का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार, मैदा सही नहीं है हेल्थ के लिए, और मैं आप लोगों की बोलूँगा मैदा नहीं खाना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे,
अभी ये रेडी है और मैं इसके अभी छोटे छोटे गोल बनाऊंगा, फिर करेंगे इसको फ्राई। और कोफ्तों का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने बड़े आपको रखने हैं। ज़्यादा बड़े रखोगे तो शायद वो फ्राई करते टाइम पे टूट जाएंगे, तो इतना साइज जो है वो ठीक रहेगा। तो अभी बनाते हैं जल्दी कोफ्ते। मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ अभी एक घंटा, ये शिवानी आ जाएगी यार, उससे पहले पहले मुझे ये बना के रखना है। कोफ्ते गोल गोल बन के रेडी हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इनको फ्राई करना है। मैंने गैस पर रख दिया है ऑयल और इसको डीप फ्राई करना है आपको। पसीनों में पूरा तर हो चुका हूँ क्योंकि ये सुक्की को मैंने बोल दिया कि तू जाके अब्राहम के पास लेट जा, वो सो रहा है। आज उसको मैंने छुट्टी दे दी कि जा, खाना आज मैं बनाऊँगा। तो अभी फ्राई करूँगा और फिर उसके बाद ग्रेवी रेडी करनी है। तेल रेडी हो चुका है, यार इसमें मेरे को बड़ा डर लगता है। एक बार मैं सॉसेज फ्राई कर रहा था, तेल मेरे हाथ पर आ गया था। और बीच बीच में आपको कोफ्तों को देखते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। सोच रहा हूँ साथ ही साथ ग्रेवी भी रख दी जाए तो जल्दी हो जाएगा काम। कोफ्ते जल गए रे भाई, नहीं अभी इसमें जो खड़े मसाले हैं ना वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं कुछ ज्यादा मिक्स नहीं कर रहा उसके अंदर। सिर्फ जीरा, काली मिर्च और लौंग ये मैं डाल रहा हूँ। और कड़ी पत्ता देखते हैं, कड़ी पत्ता है क्या, ये क्या है, दालचीनी डाल दो। ये क्या है, तेज पत्ता डाल दो। ये क्या है, इलायची, हरी इलायचियाँ डाल दो। अभी सभी डाल दूंगा मैं खड़े मसाले, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लौंग भी अपील कर रहा है मेरा कि सब मसाले डाल दूं। पूरे मेरे कोफ्ते लग गए, थोड़ा सा जीरा अब इसमें डालेंगे हम। जिंजर जो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख लिया था। उसके बाद डालेंगे हम आलू की प्याज और फिर दूसरा वाला प्याज। और मसाले इसमें मैं डालने वाला हूँ एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, एक चम्मच मैं डालूँगा इसमें गरम मसाला और एक मसाला और है, ये क्या है, करी मसाला। एक चम्मच में डालूंगा करी मसाला। अगर करी मसाला नहीं है तो बाकी वो जो मैंने बताया है वो इनफ है। और मैं हर जो भी मैं मतलब खाना बनाता हूँ सभी डिश में लास्ट में जब ग्रेवी रेडी हो जाती है तो आधा कटा हुआ लेमन उसका जूस मैं ऊपर से छिड़कता हूँ, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा मिर्ची है या फिर उसमें ज़्यादा नमक हो गया है तो सब लेवल हो जाता है। और बातों में डालना भूल गया कोफ्ता। तो भाई हमारा जो कोफ्ता है वो किस तरीके से रेडी हुआ है, अच्छा फ्राई हो गया, थोड़ा हार्ड है लेकिन अंदर से जो है वो सॉफ्ट होगा 100%। थोड़ा हल्के हल्के बोल रहा हूँ क्योंकि अब्राहम जो है वो सो रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं ऑफिस से आ चुका हूँ। अगर उसको मेरी आवाज़ सुनाई दी तो वो सीधा एकदम अपनी नींद तोड़ के बाहर भागा हुआ आएगा। तो एडिटिंग के टाइम पर मैं वॉइस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दूँगा
तो आप कान लगा के आराम से सुन लेना। ये दिल कर रहा है कि ये खा के देंगे कि कैसा है अंदर से कुछ इस तरीके। प्याज अपनी हो चुकी है अच्छे से ब्राउन, तो अभी मुझे मिक्स करना है टोमेटो पेस्ट। जब आप टोमेटो पेस्ट डालें ना तो उसी टाइम पे ही आप नमक भी डाल दीजिए। तो क्या है जल्दी से टमाटर का जो स्मेल है वो निकल जाता है। ग्रेवी कुछ इस तरीके से दिख रही है भाई। अभी डालते हैं मसाले, एक चम्मच चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, एक चम्मच हल्दी और ये चार चम्मच डालूंगा मैं हरा धनिया। और क्या था, हाँ गरम मसाला, एक चम्मच गरम मसाला। तो कोफ्ते बिल्कुल एंड में डालना है आपको, जिस टाइम पर ग्रेवी रेडी हो जाएगी उसके बाद डालना है कोफ्ते। ग्रेवी जो है अपनी वो इस तरीके से है, थोड़ा इसको चलाना है और जब ये रेडी हो जाएगी ना फिर उसके बाद इसके अंदर अपना कोफ्ता डाल देंगे, क्योंकि अगर आप अभी इसमें कोफ्ते डाल दोगे तो वो सब टूट जाएंगे इसके अंदर। तो जी वेज कोफ्ता बन के रेडी हो गया है, आप इसको राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये अपने ग्रेवी का कलर कुछ इस तरीके से आया है, सो गाइस ये व्लॉग यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसे ही मालदीव्स लाइफ बाय जाकिर खान को प्यार देते रहिए, कोफ्ते खाते रहिए, बिरयानी खाते रहिए, नई नई डिशें मैं आपको बताऊँगा अगले व्लॉग में। मिलते हैं फिर, बाय बाय।